हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग गुप्ता है और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं डंक लो रेट्रो, जो है ब्लैक हाइपर कोबाल्ट कलरवे में। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली मेरा सबसे पहला डंक लो शूज़ है। मैंने इसके पहले कभी डंक्स खरीदा नहीं था और इमेजेस वाइज सब मेरे को अच्छा लगा और रिटेल में मिल रहा था मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट, तो इसलिए मैंने इशूज खरीद लिया। पता नहीं अगर मेरे को अच्छा लगे या नहीं लगे, तो मैं सोचा अगर मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैं इसको रीसेल या कुछ कर लूँगा। तो चलो एक बार अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, साथ ही साथ मेरा फर्स्ट इम्प्रेशंस और रिव्यू दे दूँगा इशूज़ के बारे में। आपको भी एक रफ आइडिया आ जाएगा कि आपको ये शूज़ खरीदना चाहिए या नहीं। तो ये रहा हमारा बॉक्स, आप जैसे कि देख सकते हो रेड और वाइट कलर का बॉक्स है, जो मुझे अच्छा लगा। बॉक्स डिटेल्स की बात कर लेते तो आप फ्रंट साइड देख सकते हो, नाइकी का ब्रांडिंग है इधर और सेम आपको ये कॉर्नर में मिल जाएगा। एक कॉर्नर में आपको वापस नाइकी का लोगो दिख जाएगा जो बहुत छोटा है और यहाँ पर आपको साइजिंग डिटेल्स मेंशन है। दूसरे साइड अगेन आपको नाइकी का ब्रांडिंग मिल जाएगा और बैक साइड ऑफ द बॉक्स आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड प्राइसिंग डिटेल्स मेंशन है। तो ये रहा हमारे शूज, आप जैसे देख सकते हो। फर्स्ट इम्प्रेशंस की बात करो तो मुझे कलर बहुत अच्छा लगा। चलो एक बार आपको शूज के डिटेल्स बता देता हूँ। ये बेसिकली ब्लैक एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है। मटेरियल एक ही यूज करा हुआ है इधर, और लेदर मटेरियल यूज करा हुआ है। ओके क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब इतना भी हाई क्वालिटी नहीं है जैसे आपको एयर जॉर्डन हाइज में मिलता है। और लेस आपको ब्लू कलर का ही मिलता है, आपको कोई एडिशनल लेस नहीं मिलता इसमें। और टंग में आप देख सकते हो इधर नाइकी का ब्रांडिंग दिया हुआ है और इनर सोल में आपको ऑरेंज कलर में नाइकी लिखा हुआ दिखेगा। मिडसोल आप जैसे देख सकते हो व्हाइट कलर का है, जो थोड़ा अच्छा लुक दे रहा है शूज में। और डाउन सोल की मैं बात कर लेता हूँ तो ये ब्लू कलर का है, सेम ब्लू कलर जो आप अपसाइड देखते हो वही सेम ब्लू कलर इधर नीचे दिया हुआ है। ग्रिप वाइज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो आपको जॉर्डन्स में मिलता है सेम लेवल का ग्रिप मिल जाएगा आपको, मतलब एक काफी डिसेंट या अच्छा ग्रिप मिल जाएगा आपको। हाँ, पर आप एक चीज अगर नोटिस करोगे, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो नाइकी का लोगो है ये थोड़ा सा बेंडेड है बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड, आप जैसे देख सकते हो। तो मेरे को ये थोड़ा अलग लगा क्योंकि जॉर्डन्स में जो लोगो होते हैं स्ट्रेट होते हैं, ऐसा थोड़ा बेंड नहीं देते, तो हाँ थोड़ा डिफरेंस है। एंड ऑल्सो आप बैक साइड देख सकते हो इधर नाइकी लिखा हुआ है, ब्लैक कलर में स्टिच्ड है जो अच्छा लग रहा है। एक बार आपको शूज का लुक अराउंड भी दिखा देता हूँ। तो चलो अभी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। सिंस मैंने ये शूज रिटेल में खरीदा हो तो मेरे को ये 8,300 रुपीज पड़ा है और मैंने ये शूज वेज नॉन वेज से लिया था। अभी मुझे पता नहीं कि ये वापस आएगा या नहीं रिटेल में, मेरे को तो नहीं लगता ये शूज वापस रिटेल में देखने मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको ये शूज खरीदना है तो आपको रीसेलर से ही खरीदना पड़ेगा, तो आप डेफिनेटली मेन स्ट्रीट मार्केट प्लेस यानी तो कॉप अंडरडॉग चेकआउट कर सकते हो, यानी तो स्टॉकएक्स में मैंने अभी जो चेक करा $166 चल रहा है। तो कंसीडरिंग रीसेल वैल्यू के लिए अगर आपको टोटली पसंद आए ये कलर तो ही जाइए। आप मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मैं मोस्टली ये शूज को रखूंगा और मे बी मैं यूज भी कर सकता हूँ इशूज को लाइक इन फ्यूचर, पर हाँ मैं ये इसको रीसेल नहीं करूँगा क्योंकि सिंस ये मेरा फर्स्ट डंक्स है तो डेफिनेटली मैं फ्यूचर में इसको यूज भी कर सकता हूँ। सो दैट्स इट फॉर मी इन दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूजफुल लगाओ या अच्छा लगाओ। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए आपको किस टाइप का वीडियो देखना है नेक्स्ट, या नहीं तो कोई भी फीडबैक या सजेशंस हो या कोई भी क्वेश्चन हो ये वीडियो के रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और जो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए जैसे आप भी नोटिफाइड रहेंगे जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा। एंड दैट्स इट फॉर मी इन दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।